वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए औपचारिक पत्र लिखने का तरीका समझाऊंगी कि औपचारिक पत्रों को कैसे लिखते हैं। इसके साथ ही एक औपचारिक पत्र भी पढ़कर बताऊंगी कि अगर एग्ज़ाम में आएगा तो किस तरह से लिखोगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि लिखना आसान रहे। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको सभी औपचारिक अनौपचारिक पत्र मिल जाएंगे, साथ में निबंध भी होंगे। आप उन निबंधों को असाइनमेंट में भी और प्रोजेक्ट में भी लिख सकते हो। तो पहले जानो कि औपचारिक पत्र क्या है। औपचारिक पत्र वो सभी पत्र हैं जो कार्यालयी तौर पर लिखे जाते हैं, जो कि सगे संबंधी और रिश्तेदारों को नहीं लिखे जाते। समझ में आ गया? कार्यालयीय कामों से संबंधित, जैसे से स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा गया, सूचना से संबंधित, शिकायत करने से संबंधित, आवेदन पत्र से संबंधित या जॉब लेने के लिए कोई भी पत्र होगा कार्यालय से संबंधित, वो सभी आवेदन पत्र कहलाएंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि सहायक अध्यापक हेतु आवेदन पत्र लिखना है आपको। तो सबसे पहले लिखोगे सेवा में अध्यक्ष दिल्ली सेवा चयन बोर्ड दिल्ली। विषय लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर औपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता है, पर औपचारिक पत्रों में विषय ज़रूर लिखा जाता है। तो विषयों में लिखोगे सहायक अध्यापक के पद हेतु आवेदन पत्र। इतनी बात समझ में आ गई। अब ज़रूरी बात और क्या ध्यान रखनी है कि आपको पूरी ही जो पत्र लिखना है उसे पूरा इस तरह से लाइन वाइज लिखना है। ऐसे ऐसे जगह जगह पैराग्राफ बनाकर नहीं लिखना है, एग्ज़ाम में मार्क्स कट हो जाएंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी अगर बीच में लिखी हुई है तो आपको इसे भी इधर साइड के अंदर लिखना है। बिल्कुल ऐसे सीक्वेंस में चलते हुए आना है। तो विषय लिखने के बाद लिखोगे महोदय आपके कार्यालय द्वारा दिनांक, यहाँ पर डेट अपनी मर्जी से डाल दोगे, के समाचार पत्र नव भारत टाइम्स के सहायक अध्यापक की 100 रिक्तियाँ विज्ञापित हुई हैं। मैं इसके प्रत्युत्तर में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा विवरण निम्नलिखित है, अपना विवरण लिख देंगे यहाँ पर। पद क्या है? सहायक अध्यापक के पद के लिए आप कर रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं। आवेदक का नाम लिख देंगे, यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे इस जगह पर, फिर अपनी जन्मतिथि लिख देंगे, फिर यहाँ पर अपना पता लिख देंगे, ठीक। फिर उसके बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ लिखेंगे कि आपने कौन सी डिग्री कहाँ से और कौन से सन के अंदर प्राप्त की है। समझ में आया? शैक्षणिक योग्यताएँ आप अपनी अपने आप लिख लेंगे। अनुभव, जो कि जॉब का आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो लिखना ज़रूरी होता है। तो अनुभव में लिखोगे 2000 से अब तक जनता विद्यालय मेरठ में प्राथमिक शिक्षा के रूप में कार्य कर रहा हूँ। प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत है। आशा है मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान कर कृतार्थ करेंगे। भवतीय नाम लिख देंगे, डेट लिखेंगे, डेट में मंथ नेम को स्पेलिंग के साथ लिखेंगे। आपने इस आवेदन के साथ जो भी अटेस्ट किया है उसको भी लिखेंगे। संकलन, सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ, ठीक। संकलन में क्या लिखोगे? सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपियाँ। तो इस तरह से कोई भी जॉब पाने के लिए आपको आवेदन पत्र लिखना हो तो इस तरह से लिखा जाएगा।